दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है। खास तौर से अभी पिछले 5 महीनों की अगर हम बात करें, जब से गजा पर हमला किया गया इसराइल के जरिए, जब से गजा की तबाही की दास्तान लिखी गई, शुरू की गई और लगातार जिस तरह से मजलूम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, 30,000 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, तो उसके बाद से एक बड़ी संख्या है, खासतौर से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो इस्लाम को जानना चाहते हैं, इस्लाम को पढ़ना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि दुनिया का सुपर पावर देश इसराइल और अमेरिका, पूरा यूरोपियन कंट्रीज मिलकर के फिलिस्तीनियों के खिलाफ खड़े हैं, हमास के खिलाफ खड़े हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार इतनी बड़ी पावर्स को टक्कर दे रहे हैं, न सिर्फ टक्कर दे रहे हैं बल्कि बुरी तरह से तबाह बर्बाद भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि जानी नुकसान मुसलमानों का ज्यादा हो रहा है, लेकिन जानी नुकसान होने के बावजूद वहां की आवाम हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हुई है, वहां की आवाम हमास के साथ खड़ी हुई है। एक बाइट भी आपको सोशल मीडिया के साथ साथ मेनस्ट्रीम मीडिया में, चाहे वो यूरोपियन मीडिया की बात करें, वेस्टर्न मीडिया की बात करें, कहीं पर भी आप नहीं दिखा सकते कि कोई भी फिलिस्तीन का नागरिक हमास के किसी कायद के खिलाफ या हमास के खिलाफ कोई बात कहता हुआ नजर आए। तो इसी जज्बे को पढ़ने के लिए, इसी जज्बा, ये जज्बा कहां से आता है इन लोगों के अंदर कि अपनों को खोने के बाद ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हमें भी इनमें शामिल फरमाइयो और इनके पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं। तो ये वो कौन सा जज्बा है कि अपने घर के तमाम लोगों का जनाजा उठाने के बावजूद वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ने ही दिया था और अल्लाह ही ने ले लिया, उसमें चाहे उनका बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो या जवान बच्चा हो, मां बाप हो या पत्नी हो या पति हो। इस तरह के अल्फाज बारहा सोशल मीडिया पर आपने सुने होंगे और इसी जज्बे को देखने के लिए लोग इस्लाम के करीब आते हैं। ऐसे में बड़ी हस्तियां भी ये देखने में आ रहा है कि वो पहले कुरान का मुताला करते हैं, उनके फेवर में खड़े होते हैं मुसलमानों के, हमास और फिलिस्तीनियों के फेवर में अपने सोशल मीडिया पर जो है कंपेन चलाते हैं, और उसके बाद जब मुताला उनका कंप्लीट हो जाता है और हक उन तक पहुंच जाता है तो वो मुशर्रफ इस्लाम होते हैं। ऐसे ही एक शॉन किंग, वो कार्यकर्ता जिनके लगभग 6 मिलियन फॉलोअर्स थे, उन्हें इसराइल युद्ध अपराध को उजागर करने के लिए इंस्टाग्राम ने प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने रमज़ान की पहली रात को अपनी पत्नी के साथ इस्लाम कबूल किया। देखिए ये वीडियो। I bear witness that there is only one God, and that Muhammad is his final messenger. Allahu Akbar. Takbir. Congratulations, brother. You can pass the mic now to Ray. Sister Ray, if you can repeat after me and say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. I testify that there is only one God. That there is only one God. And that Muhammad is his final messenger. Takbir. Allahu Akbar.